नमस्कार, मैं जहांगीर आलम। आप देख रहे हैं कोलफील मिरर, हर पल आपके साथ। लड़के लेंगे प्राइवेट शोषण से आजादी, तुम कुछ भी कर लो, हम लड़के लेंगे एफटीआई से आजादी। पहले हमारा उठ रहा है वो बेचने के अधिकार हमारा कोल इंडिया का है। सहारनपुर में प्राइवेट मालिक आउटसोर्सिंग होने के बाद जो कोयला प्रोडक्शन कर रहा है उसको देश बेच करने का, सेल करने का अथॉरिटी हमारा सहारनपुर का जनरल मैनेजर का हाथ में है। लेकिन अभी जो एफटीआई का बिल पास किए, पहले 5 साल, पीछे 5 साल, अब याद कीजिए, पूरा हिंदुस्तान की पैमाने पर हम लोग की चर्चा करने का कोशिश किए, कोयला खदान का मजदूर को सामने ही बात रखने का कोशिश किए कि देखिए कि बीजेपी का नेतृत्व, जो फैसिस्ट, जो सांप्रदायिक ताकत हिंदुस्तान के सत्ता में आए कि देश को भला नहीं करेगा, एक मजदूर को भला करने के लिए आया नहीं, किसान मेहनत कर जनता को भला करने के लिए आया नहीं, कहे कॉरपोरेट सेक्टर इसको सत्ता में लाए और कॉरपोरेट सेक्टर को बेनिफिट के लिए सरकार चलाएंगे। पीछे 5 साल का हम लोग जो हम लोग को उम्मीद था कि कम से कम मजदूर किसान मेहनत कर जनता इस बार इस सरकार को चुनौती देंगे, ये क्षमता में इतना ताकत इसको आ गया, इसको सामने कोई बोलने वाला नहीं है, इसको सामने कोई भिड़ने वाला नहीं है। मनोज ठीक बात बोल रहा था कि हमारा पार्लियामेंट में मजदूर को हित में, किसान का हित में, आम जनता का, मेहनत कर जनता का हित में बात करने के लिए हम कोई उम्मीद पर भेज नहीं पाए, पता नहीं। 24 सितंबर का हड़ताल सफल करे, 24 सितंबर का हड़ताल सफल करे, मजदूर एकता, मजदूर एकता, दुनिया का मजदूर, दुनिया का मजदूर, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। सर, आज की मीटिंग में हम लोगों ने देखा कि आपने मजदूर के हित में बात की, लेकिन आपकी जो ये आंदोलन है इसमें जो दूसरे जो तंजीम है वो क्यों नहीं जुड़ पा रहे हैं? मैं पहले अपने घर को तो ठीक करूं। हमारे जिससे लोग संयुक्त हैं, जो लगे हुए हैं, काम करने वाले हैं, वे अगर लड़ाई में आते, संघर्ष में आते हैं, तो अपने पड़ोसियों को भी साथ में लेंगे। तो ये मजदूर की लड़ाई है तो इसमें बीएमएस के लोग क्यों नहीं आ रहे हैं, और क्या लगता है कि टीएमसी वाले भी आपके साथ सपोर्ट नहीं कर रहे हैं? टीएमसी तो जरूर, टीएमसी के लोग सपोर्ट कर रहे हैं, अब उनकी टीएमसी के नेता क्या डिसीजन लेंगे वो ठीक करेंगे, लेकिन आम पब्लिक जो कोयला खदान में काम करती है उनका सपोर्ट हमको मिल रहा है। उन लोगों ने कहा है कि हम लोग स्ट्राइक में समर्थन दे रहे हैं, स्ट्राइक में साथ में रहेंगे, लेकिन अब नेता लोग का निर्णय होना बाकी है, क्योंकि सरकार क्या निर्णय लेगी वो उस पर डिपेंड करता है उनका, तो देखा जाए क्या करते हैं। हम लोग देख रहे हैं कि जब कोई इशू उठता है कोई पब्लिक से रिलेटेड हो, सरकार मुद्दा को भटकाने के लिए फिर एक नया चीज़ आ जाता है, क्या लगता है कि ये आपकी लड़ाई लंबी चलेगी या फिर आपको मुद्दा को भटका दिया जाएगा? सरकार मुद्दा से भटकाने की बहुत कोशिश करेगी। अभी आने वाले दिनों में हमारा जो बोनस का सवाल है, इस बोनस में हो सकता है कि सरकार हमको थोड़ा ज़्यादा पैसा पिछली बार से दे करके भटकाने की कोशिश करे, लेकिन इस बार हम लोग भटकने वाले तो नहीं हैं, क्योंकि बड़ा सवाल है, हमारा भात घर ही नहीं रहेगा, हमारा रोजी रोटी ही नहीं रहेगा, तो थोड़ा पैसा मिलने से तो कुछ फर्क नहीं पड़ता है। नहीं, ये तो आम आप समझ रहे हैं ना, पब्लिक कहाँ समझ रही है? पब्लिक इस बात को समझ रही है। अब तक हम लोग सड़क पे कुछ नहीं देख रहे, कुछ भी एजिटेशन सड़क पर आएगा, अभी तो हम उतर रहे हैं तब ना सड़क पर आएगा। आपकी बात को नहीं मानेगी तो फिर क्या स्टेप लोगे? नहीं मानेगी सरकार तो लगातार पर जाएंगे, एक दिन पर नहीं मानेगी तो लगातार पे जाएंगे। आप इसको रोकने के लिए भी क्या क्या और काम करने वाले हैं? देखिए, सरकार से विभिन्न मुद्दों पर हम लोग बातचीत कर रहे हैं, मिनिस्ट्री में बातचीत कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी के पास में संदेश भेजने का कोशिश कर रहे हैं हम लोग, चाहे वो देश में रहिए या विदेश में रहिए, एफडीआई को बंद करिए, लेकिन पार्लियामेंट उन्होंने पास करवा लिया है, मेजोरिटी उनकी है, पास करा लिया है, इसको हम लोग दोबारा रुकवाएंगे। कोयला खदान का राष्ट्रीयकरण करने के लिए जो लड़ाई लड़े थे हम लोग, हमारे सैकड़ों साथी शहीद हुए थे, राष्ट्रीयकरण हुआ था, ऐसे ही इसमें भी संघर्ष होगा, अगर जरूरत पड़ेगा तो हमारे साथी शहीद होंगे, हम लोग शहीद होंगे, लेकिन इसको हम लोग रोकेंगे। आप लोगों ने जो स्ट्राइक बुलाया है उसको सफल बनाने के लिए और क्या कर रहे हो? स्ट्राइक बुलाने के लिए दूसरे यूनियन से बातचीत कर रहे हैं, आपस में हमारे नेताओं को लेकर के कन्वेंशन कर रहे हैं,
12 तारीख को गुजराती भवन में 11 बजे से कन्वेंशन करेंगे, उसमें सब नेताओं को बुला रहे हैं, दूसरे संगठन के नेताओं को बुला रहे हैं और सबकी सहमति से बुला रहे हैं। इसलिए हमको लगता है कि इस बार स्ट्राइक हमारा 100% सफल होगा, क्योंकि आम जनता का हमको सपोर्ट मिल रहा है, पब्लिक का सपोर्ट मिल रहा है। वही मैं थोड़ी देर पहले कह रहा था कि रानीगंज के आसनसोल के जो लोग हैं, व्यवसायी लोग हैं, उन लोगों से जब बात होती थी तो पहले उन्होंने कहा मोदी सरकार बहुत अच्छी सरकार है। मैंने कहा आपका बिजनेस कैसा चलता है, बोला बिजनेस तो बहुत ख़राब अवस्था हो गया है। और अभी आप सभी लोग देख रहे हैं कि हर क्षेत्र में छटाई हो रहा है, चाहे वो मारुति उद्योग हो या दूसरा कोई उद्योग हो, सब में छटाई हो रहा है। तो रोज़गार बढ़ नहीं रहा है, रोज़गार घट रहा है, आर्थिक अवस्था खराब हो रही है, महंगाई बढ़ रही है। ऐसी अवस्था में जनता हमारा साथ देगी और हम लोग लड़ाई जीतेंगे। आरसी सिंह को हम लोगों ने देखा शुरू से, वो मजदूर के लिए लड़े हैं, उनकी जो तंजीम है वो भी मजदूर के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन जो लोग आप लोग से जुड़ नहीं रहे हैं उसके लिए क्या मैसेज आता है? उनके लिए उनसे अपील करते हैं कि हम वर्तमान अवस्था पर विचार करें, भगवान ने उनको बुद्धि दी है और सद्बुद्धि दे कि वो भी हमारे साथ में जुड़ें और आंदोलन में शरीक हो जाएं और सरकार से हम कोयला खदान को बचा सकें, प्राइवेट होने से बचा सकें। थैंक यू सर। प्रोग्राम क्या था आज? सलामपुर पूरा कोऑर्डिनेशन मीटिंग था, जिसमें हमारा पूरे यूनिट के जितने भी लीडर हैं, बंजीमारी का, डावर का, मोहनपुर का और गोरंडी का, चारों यूनिट का पूरा लीडर यहाँ मौजूद थे और हमारे सेंट्रल कमेटी के जो लीडर हैं, पूरा ऑफिस बैरल फुल यहाँ उपस्थित हुए थे। मीटिंग का टॉपिक क्या, मुद्दा क्या था? मीटिंग दो मुद्दा था। अच्छा। एक हमारा CMS AITC ऑर्गेनाइज जो है, कैसे हम लोग पूरे सलानपुर में नहीं, पूरे स्थिर पैमाने में एक नंबर में खड़ा हूँ। दूसरा ये जो हमारे ऊपर FDI थोपा जा रहा है, जो राष्ट्रीयकरण से निजीकरण के तरफ, इसके विषय में आपस में सभी लीडर मिल के हम लोग बात करेंगे और 24 को जो स्ट्राइक कॉल हुआ है इसको सलानपुर में हम लोग 100% सफल करेंगे, उसी पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम हुआ शैलेंद्र सिंह। आप कौन पोस्ट में? CMS AITC का ऑर्गेनाइज सेक्रेटरी।